हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की का स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन लाइव ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीव है उनके अंदर जीवों में जनन है वो किस प्रकार संपन्न होता है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। एनसीईआरटी के हम सभी चैप्टर लगभग पूरा 12th क्लास के पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा भी हम हिंदी मीडियम के जो 11th क्लास के हैं वो भी स्टार्ट करेंगे, और इंग्लिश मीडियम के जो भी आपको कंटेंट है वो सारे हमें आपको इस वीडियो के माध्यम से और दूसरे जो कंटेंट है वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। इजी मेथड आपको बताए जाएंगे जिससे आपको याद करने में समस्या ना हो और एग्जाम में आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन हो सके। देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का चैप्टर 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन। तो जीवों में जनन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जीवों में जनन से पहले कुछ बातें अपन बात करते हैं। देखिए, कोई भी जो जीव है, चाहे अपन एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, तो एक कोशिकीय जीव है और चाहे बहुकोशिकीय जीव है, वो एक जैसे अगर उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु क्या है, सुनिश्चित है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसका मृत्यु तक का एक जीवन होता है, उसका एक लाइफ स्पेंड होता है, एक जीवन अवधि होती है, और उसके दौरान वो बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है। तो हम बात यहाँ पे करेंगे कि बहुत सारी प्रक्रियाएं कर रहा है, उस एक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं में से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, जनन। इस जनन में क्या काम करता है कि वो अपने समान क्या करता है, संतति या बच्चे उत्पन्न करता है, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया है यहाँ पे जनन। कोई भी जो जीव है वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है और उस प्रोसेस को नाम दिया गया है यहाँ पे क्या, जनन। तो देखिए, मैंने बात की यहाँ पे कि जनन की प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो बहुत सारी प्रक्रियाएं कर रहा है। जन्म उसका हो रहा है, जन्म से मृत्यु तक का हो रहा है, तो जन्म से लेकर उसका मृत्यु जो हो रही है, प्राकृतिक मृत्यु जो हो रही है, उसके बीच में जो पूरा का पूरा समय है, उस समय को नाम दिया गया है क्या, जीवन काल या जीवन अवधि नाम दिया गया है। तो देखिए, अपन बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जनन से पहले हम कुछ बातें कुछ टर्म्स सीखेंगे, और वो टर्म्स यहाँ पर यह है जनन, जीवन काल या जीवन अवधि। तो जीवन काल या जीवन अवधि क्या है, उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे यहां पे। डेफिनेशन बता देता हूं एक बार वापस से, किसी भी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। तो देखिए, हमारे पास डेफिनेशन क्या हो गई, किसी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है, जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। देखिए, ये दूसरी बात हमारे पास से रिलेटेड। अब अलग अलग जो जीव होते हैं उनका जीवन अवधि या लाइफ स्पेंड बोलते हैं इसको, लाइफ स्पेंड जो है, जीवन अवधि या जीवन काल है, वो सभी का अलग अलग होता है। तो देखिए, अलग अलग जीव से अपन बात करेंगे, अपनी लाइव ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पाए जाते हैं पृथ्वी पर, बहुत सारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो जैसे अपने कुछ जीवों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लेते हैं अपने यहाँ पे, बटरफ्लाई तितली का एग्जाम्पल ले लो, ये 3 से 4 हफ्ते इसका लाइफ स्पेंड होता है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें एक कुत्ते की बात करें तो 15 से 20 वर्ष इसका लाइफ स्पेंड होता है।
देखिए हाथी की बात करें तो 60 to 70 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। इसके अलावा जैसे हम बात करें, देखिए बटरफ्लाई की 3 से 4 सप्ताह है, कुत्ते की मैंने लिखा 15 से 20 वर्ष है, हाथी की मैंने लिखी 60 से 70 ईयर्स है। मनुष्य की अपन बात करें, मनुष्य की बात करें तो कितनी है, 70 to 80 ईयर। देखिए जो लाइफ स्पैन है या ये जो अपन बात करें जीवन अवधि या जीवन काल है, वो एक तरीके से क्या है, औसत आयु निकाली जाती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, किसी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, जीवन अवधि या जीवन काल। अब देखिए क्या होगा कि प्रत्येक जीव जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, जब वो बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है। जैसे अपन बात करें कि जैसे पाचन की बात करें अपन है, अपने यानी पोषण की बात करें, एक श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है, बहुत सारी प्रोसेस करता है। तो यहां पर एक प्रोसेस है जनन, तो जनन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और जनन के बारे में क्या बात बताई गई है उसके बारे में समझेंगे अपन। तो जनन में मैंने बताया कि प्रत्येक जीव अपने अंश को या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान क्या करेगा, संतति उत्पन्न करेगा, और उसी प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है, जनन नाम दिया गया है। तो अपन बात करेंगे यहां पे क्या, जनन। देखिए और भी लाइफ स्पैन बता रखी है आपकी बुक के अंदर, जैसे तोते की बात करें अपन, तोते के अंदर 140 वर्ष है। इसके अलावा टोटल की बात करें तो 150 से 200 ईयर्स कह सकते हैं, 100 से 150 भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल की बात करें तो 60 ईयर्स है। तो ये सबकी लाइफ स्पैन अलग अलग बता रखी है, अलग अलग, ये मैंने केवल एग्जांपल लिखे हैं। अब पर बात करेंगे अपने जनन, तो जनन क्या होता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो जनन क्या है, देखिए प्रत्येक जीव अपने अंश या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है, और इसी प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है, जनन नाम दिया गया है। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो गई, प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान बच्चे उत्पन्न करता है। बच्चे की जगह अपन यहां पे ले सकते हैं क्या, संतति, संतति उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया क्या कहेंगे अपन, जन्म कहेंगे। अब देखिए बात करते हैं, ये तो थी बात इससे रिलेटेड, देखिए यानी प्रत्येक जीव अब देखो अपने समान, अपने समान का मतलब है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का ही जन्म होगा। कोई एक नीम का पेड़ है तो उससे नीम के छोटे पौधे ही उत्पन्न होंगे। जैसे अपन बात करें कि जैसे कुत्ता है तो उससे यानी जो कुत्ते के जो पीले हैं उन्हीं का ही निर्माण होगा, उन्हीं का उत्पन्न होगा। कैट है तो एक कैट है, उससे कैट से कैट ही उत्पन्न होंगी। ऐसे नहीं कि कोई दूसरा जीव है, कोई एक जीव है उससे दूसरा जीव उत्पन्न होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे जन्म में, तो हमने यहाँ पे की प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है, और इसी प्रक्रिया का नाम दिया गया है, जनन नाम दिया गया है। अब ये तो बात इससे रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जीवों में जो जनन है, जनन वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए आपने पढ़ा भी है 11 क्लास के अंदर, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे जनन 2 प्रकार का, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो हम बात करेंगे यहाँ पे अलैंगिक जनन, और सेकंड जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। देखिए एक तो अलैंगिक जनन है और दूसरा कौन सा है, लैंगिक जनन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि अलैंगिक जनन क्या है उससे रिलेटेड बात करेंगे। अलैंगिक जनन क्या है उसके बारे में अपन बात सीखेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले 2 प्रकार के हैं, तो अलैंगिक जनन, देखिए इसमें पहले सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि लैंगिक जनन में क्या है, 2 जीव भाग लेते हैं, 2 मेल और फीमेल जो है, जैसे अपन बात करें ऑर्गेनिज्म है या नर और मादा जीव है वो भाग लेते हैं। दूसरी बात क्या बताया कि इसके इंपॉर्टेंट बात बताएं
कि लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का फॉर्मेशन होता है और इनका क्या होता है एक तरीके से संलयन होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे लैंगिक जनन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन क्या है उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। अलैंगिक जनन क्या है फर्स्ट देखिए, अलैंगिक जनन क्या है उससे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए अलैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या है कि जीवों में होने वाला ऐसा जनन जिसमें एक तो एकल जीव से संतति उत्पन्न होती है, एकल जीव से यानी कोई एक जीव से क्या होगी संतति उत्पन्न होगी और इसमें दो मुख्य प्रोसेस यानी युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती, तो उसे बड़ जनन कहेंगे अलैंगिक जनन। डेफिनेशन क्या हो गई जीवों में होने वाला ऐसा जनन जिसमें एकल जीव डेफिनेशन क्या बताई जीवों में होने वाला ऐसा जनन जिसमें एक जीव के द्वारा संतति उत्पन्न होती, एक जीव के द्वारा संतति उत्पन्न होगी तो उसे अपन कौन सा जनन कहेंगे अलैंगिक जनन। तीसरी बात डेफिनेशन की यानी एकल जीव के द्वारा क्या है संतति उत्पन्न होती है, कोई एक जीव है। अब ये बात बताते हैं आपको कि अलैंगिक जनन है उसकी कुछ गुण बता देते हैं। अच्छा इसको एक बार नोट कीजिए आप फिर आपको आगे बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आप कि अलैंगिक जनन के कुछ गुण बता रखे हैं। देखिए अलैंगिक जनन तो इस अलैंगिक जनन के हम क्या बताएंगे अलैंगिक जनन के बारे में बात की, डेफिनेशन पढ़ लिख दिया कि अलैंगिक जनन के गुण या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर बात करें। फर्स्ट यहां पे है कि जो संतति उत्पन्न होती है दूसरी बात यहां पे क्या बताई गई कि युग्मक का निर्माण यहां पर नहीं होता, युग्मक का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट यहां पे क्या बताया गया है युग्मक का संलयन मतलब निषेचन तो ये दूसरी बात हमारे पास क्या अलैंगिक जनन जो है उस अलैंगिक जनन में होने वाले कुछ प्रोसेस है यानी उसके गुण बता रखते हैं कि अलैंगिक जनन के कौन कौन से गुण हैं कि किस तरीके से यहां पर अलैंगिक जनन जो है वो किस तरीके से संपन्न होगा, लेकिन यहां पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं नहीं होती कौन सी प्रक्रियाएं होती है यानी एक तरीके से हमें ये याद रखना है कि अलैंगिक जनन में कौन कौन सी प्रोसेस होगी। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग जीव है वो क्या है तरीके से अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से संपन्न करते हैं। तो हम बात करेंगे यहां पे देखिए क्या बताया कि अलग अलग जीव अलैंगिक जनन अलग अलग तरीके से संपन्न करते हैं।
अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से कौन कौन से अलग अलग तरीके से करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन किस तरीके से करेंगे वो देखिए, अपन बात करेंगे यहाँ पे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं वो किसकी, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं कुछ जीव। तो कुछ जीव का बात करेंगे अपन यहाँ पे, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाते हैं कि जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, इसके दो एग्जाम्पल है, एक तो अमीबा ये कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं अमीबा पैरामीशियम है उसी के उन्हीं में केवल कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो जीव यानी वो क्या करते हैं, एक तरीके से किसी भी प्रकार जो सरल जीव है जैसे बैक्टीरिया है, जैसे अपन बात करें शैवाल है, फंजाई है, और जैसे एक कोशिकीय जीव है प्रोटोजोआ है, तो ये सारे एक तरीके से कौन सी विधि के द्वारा जनन करते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, वो कौन सी विधि है यहाँ पे, कोशिका विभाजन। तो देखिए अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे यहां पर समझो कि ये हमारे पास एक कोशिका है और इस कोशिका को हमने बात की यहाँ पे, सेल मतलब अमीबा है, ये अमीबा का ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, तो न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा, समझो कि ये हमारे पास ये इसका न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास पूरा एक अमीबा है। सबसे पहले ये एक केंद्रक है इसका, और ये केंद्रक डिवाइड होगा, जब केंद्रक डिवाइड होगा तो यहां पर सबसे अब इसके बीच में यहां पर ये एक खांच सी बन जाएगी। देखिए ये, उसके पश्चात क्या होगा कि इन कोशिका जो केंद्रक है वो जब डिवाइडेशन हुआ है तो केंद्रक के बाद में यहां पर किसका, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाएगा, और ये सेल जो है वो एक सेल है, वो कितनी सेल में, दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार का विभाजन क्या कहलाएगा, कोशिका विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन, यानी एक सेल है वो कितने में कन्वर्ट हो गई, दो कोशिकाओं में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए क्योंकि यहां पर क्या बात बताई गई है वो बता देते हैं आपको कि इसे कोशिका विभाजन है, इस प्रक्रिया को नाम देंगे कि एक कोशिका कितने में डिवाइड हो गई, दो कोशिकाओं में विभाजित हो गई। एक कोशिका जब दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, एक कोशिका जब दो कोशिकाओं में विभाजित होती है तो इसे क्या नाम दिया गया है, द्विविभाजन, यानी जब एक कोशिका, जब एक कोशिका दो, यानी जनन के अंदर, देखो यहाँ पे बात यहाँ पे आ रही है कि अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन की विधि है यहाँ पे कोशिका विभाजन। तो यहां पर जब एक कोशिका है वो दो कोशिका में, एक कोशिका दो कोशिका में या हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, विभाजित हो रही है, अतः इसे क्या नाम दिया गया है, द्विविभाजन नाम दिया गया, अतः इसे द्विविभाजन कहते हैं। जल्दी बात इससे रिलेटेड अब हम बात करेंगे कि देखो ये तो है कोशिका विभाजन में, एक तो पढ़ने पढ़ा यहाँ पे क्या, बाइनरी फ्यूजन, इसको बाइनरी फ्यूजन नाम दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे क्या कि एक तो है एक यानी जो होगा वो है मुकुलन, मुकुलन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप एक उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार नोट कीजिए, फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट आएगा हमारे पास, फर्स्ट जो था वो तो हमारे पास कोशिका विभाजन का हो गया, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे जो है वो किससे रिलेटेड है, कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन में अभी अपन दूसरी यहाँ पे पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे। देखिए हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जीवों में जनन में कौन सा जनन पड़ रहे हैं अपन, अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन की हम बात कर रहे हैं। तो अलैंगिक जनन में हम दूसरा जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो यहां पे बता रखा है मुकुलन, दूसरी जो प्रोसेस है उसको नाम दिया गया है यहां पे
मुकुलन नाम दिया गया है। देखिए मुकुलन में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं कि समझो ये भी एक प्रकार का कोशिका विभाजन ही है, ये भी एक प्रकार का कोशिका विभाजन ही है। यहां पर क्या होगा कि समझो कि हमारे पास एक जीव है और ये इसकी रिद्धि का हो गई और ये समझो कि वैक्यूल है और ये हमारे पास क्या है इसका न्यूक्लियस है। अब यहां पर ये कोशिका है या कोई जीव है, इस जीव शरीर के ऊपर क्या होगी एक प्रवर्ध या अतिवृद्धि उत्पन्न होगी। ऐसे तो यहां पर जो ये केंद्रक था वो यहां से यू जाना प्रारंभ हो जाता है, ये केंद्रक है डिवाइड होगा, केंद्रक भी तो डिवाइड होगा, कोशिका विभाजन का ही रूप है ये। अब यहां पर जो ये संरचना बनी है इस संरचना को नाम देंगे हम मुकुल बड। बड बढ़ गया। अब क्या होगा कि ये बड जो है ये मुकुल जो है वो इस जीव शरीर पर ही लगातार क्या करेगा वृद्धि करना है, ग्रोथ करेगा इसके ऊपर जीव शरीर के ऊपर और बाद में क्या करेगा एक तरीके से लगातार वृद्धि करना है और बाद में यहां का न्यूक्लियस और यहां का ये न्यूक्लियस ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे और अलग होकर क्या करेगा एक नए संतति या एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई दो सेल। तो ये भी एक तरीके से क्या है कोशिका विभाजन का ही एक रूप है जिसमें बताया गया है कि जो जीव शरीर है वो जीव शरीर के ऊपर एक पर्वत पर्वत का निर्माण हो, उस पर्वत को क्या नाम दिया गया है मुकुल बर्ड। अब ये बर्ड जो है देखो केंद्रक है वो पहले केंद्र विभाजन हो गया, फिर यहाँ पे क्या है साइटोप्लाज्म विभाजन हुआ है, साइटोप्लाज्म विभाजन से क्या है दो जीव बन गए। तो यहां पर हमारे पास इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन मुकुलन या बडिंग कहते हैं। अब देखिए अपन बात करें यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल याद रखना आप यीस्ट यानी तो ये क्या है इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक के अंदर, एक यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रा का एग्जाम्पल दे रखा है। तो अलैंगिक जनन में हमने बात की यहाँ पे कि अलग अलग जीव है वो अलग अलग तरीके से यानी एक तरीके से जो जनन की प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से संपन्न कर सकते हैं, उसमें अपने कोशिका विभाजन तो ये कोशिका विभाजन का ही रूप है मुकुलन। मुकुलन में क्या होगा एक पर्वत विकसित होगा यानी उभार नुमा संरचना बढ़ेगी वो उस जीव के समान ही होती है, ठीक है। तो ये दूसरी बात हमारे पास मुकुलन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे मुकुलन के बाद में, देखिए दूसरी बात मुकुलन से रिलेटेड अब अपन बात करेंगे यहाँ पे अलैंगिक जनन कुछ ऐसी संरचनाएं भी विकसित होती है, जैसे अपन बात करें कि कुछ विशेष संरचनाएं विकसित होती हैं इन जीवों के अंदर जो एक नई संतति विकसित कर सकती हैं। जैसे अपन बात करें इसके अलावा जैसे तीसरा अपन एग्जांपल लें यहां पे कि जैसे बीजाणु के द्वारा, देखिए बीजाणु एक ऐसी संरचनाएं होती हैं जो नए जीव विकसित करने में क्या करती है यानी एक नए जीव विकसित करने में सक्षम होती है। बीजाणु एक ऐसी संरचनाएं होती हैं जो नया जीव यानी विकसित करने में क्या होती है सक्षम होती है बीजाणु। तो देखो बीजाणु की भी जैसे यहां पर बात करें फर्स्ट है यहां पे, जैसे फर्स्ट यहां पे दे रखा है चल बीजाणु, चल बीजाणु, चल बीजाणु मतलब ऐसे बीजाणु बन रहे हैं जो क्या है मोशन कर सकते हैं यानी फ्लेक्सिबल उसके अंदर पाए जाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें यहां पर क्लेमाइडो या क्लेमिडो मोनास, नेक्स्ट अपन बात करें देखो ये जो चल बीजाणु के द्वारा जो जनन है वो शैवाल जैसे जैवाल की बात करें अपन फंजाई की बात करें उनके अंदर भी होता है। दूसरा अपन यहां पे एग्जांपल लेते हैं जैसे कोनिडिया, तो कोनिडिया में क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर होती है जो किसी यानी जैसे अपन बात करें कोनिडिया ये अधिकतर क्या होता है किसके अंदर होता है भाई फंजाई के अंदर होता है, फंजाई आप जानते ही हो कवक वगैरह के अंदर, कवक के अंदर क्या है तंतुनुमा संरचना होती है, तंतु के ऊपर एक विशेष संरचना विकसित होगी और उस विशेष संरचनाओं के ऊपर छोटे छोटे ये बढ़ेंगे बीजाणु। तो वो क्या करते हैं एक तरीके से कोनिडिया के यानी कोनिडिया के अंदर बीजाणु बनते हैं और वो क्या करते हैं एक तरीके से नया जीव विकसित करते हैं। ये हमारे पास है कोनिडिया। तीसरा यहां पे दे रखा है स्पंज, स्पंज में कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं स्पंजियोल्स, स्पंजी बोलते हैं उनको
तो उनके द्वारा भी क्या होता है यहाँ पे क्या एक तरीके से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए अपन बात करेंगे यहाँ पे कुछ पादप है, जैसे ये तो सिंपल देखिए एक बात याद रखना कि अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो सरल जीव जैसे एक कोशिकीय जीव है, जैसे अपन बात करें शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, इनके अंदर क्या होता है फंजाई है यानी जो कवक वगैरह है उनके अंदर कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा जनन संपन्न होता है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या जनन की प्रक्रिया, इसके अलावा जैसे अपन बात करेंगे जैसे बैक्टीरिया में भी क्या है इस विधि के द्वारा क्या होता है जनन होता है, तो ये होती बात इससे रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे कि देखिए कि प्लांट जो है उनके अंदर भी अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन देखो पादप के अंदर क्या होता है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जनन होता है और उनके अंदर कुछ एक विशेष प्रकार की संरचनाएं विकसित होती हैं जो नया जीव विकसित कर सकती हैं, और उन संरचनाओं को नाम दिया गया है यहाँ पे यानी जैसे अपन बात करें प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं उनको, कलिकाएं कह सकते हैं अपन। तो देखिए अपन बात करेंगे कि प्लांट जो है देखिए हमने यहां पर यह कहा है कि अलग अलग जो अलग अलग जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले हमने बात यहाँ पे क्या की है, सबसे पहले अपन ने बात की यहाँ पे क्या फर्स्ट कोशिका विभाजन के द्वारा हो रहा है, कोशिका विभाजन बाइनरी फ्यूजन यानी द्वि विभाजन कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास मुगुलन भी एक प्रकार का क्या है कोशिका विभाजन है। तीसरा हमने कहा कि बीजाणुओं के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं हो रही है तो उनको नाम दिया गया है यहाँ पे क्या कि पादप जो होते हैं पादप में कायिक परिवर्धन यानी कायिक परिवर्धन के द्वारा यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है भाई कायिक परिवर्धन के द्वारा कायिक परिवर्धन के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए पादपों में कायिक परिवर्धन के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो देखो अपन बात करेंगे यहां पे कि कायिक भाग सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कायिक परिवर्धन का मतलब क्या है। तो देखिए बात करेंगे यहां पे सबसे पहले बता देते हैं आपको कि पादप के अंदर दो संरचनाएं पाई जाती है, दो भाग कह सकते हैं अपन, एक तो जनन भाग हो गया और एक कायिक भाग हो गया। तो पुष्प जो है वो पादप का जनन भाग है, बाकी जो सारी संरचनाएं बच गई जड़ तने पत्तियां शाखाएं ये सारी क्या हो गई कायिक भाग हो गए। तो पौधे के कायिक भाग जड़ तने और पत्ती से नए पादप विकसित होने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है कायिक परिवर्तन। देखिए पादप है पादप उसके दो भाग हो गए, एक तो क्या हो गया भाई तो मैंने बताया कायिक भाग और एक मैंने क्या बताया जनन भाग। कायिक भाग को मैंने बताया अभी हम क्या देखिए क्या बताया गया है कि पादप के कायिक संरचनाओं के द्वारा यानी पादप की कायिक संरचनाओं के द्वारा नए पादप विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं कायिक परिवर्धन। पौधों की कायिक भाग से नए पादप विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं कायिक परिवर्तन कहते हैं। कायिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए क्या बताया गया है कि ये कायिक परिवर्तन कहते तो यहां पर क्या है कुछ कायिक संरचनाएं ऐसी संरचनाएं विकसित होती हैं जिससे क्या है वो नया पादप विकसित करने में सक्षम होती हैं। तो जैसे अपन बात करें यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है तंत्र। देखिए मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगा वो आपके 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो 11th क्लास में जैसे अपन बात करें तंत्र का एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है आलू है, तो इस आलू के अंदर क्या है कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जा रही है और उस संरचना को क्या नाम दिया गया है कलिका। तो कलिका से क्या करते हैं नए प्लांट विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या प्रकंद, तो प्रकंद में हमारे पास क्या आ गई अदरक। नेक्स्ट अपन बात करें यहां पे क्या
ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी के अंदर क्या होती है, घास होती है। तो घास के अंदर क्या होती है कि दो पर्व संधियां, जो दो पर्व संधियां पाई जा रही है वहां पर क्या अपस्थानिक जड़े पाई जाती है। और ये अपस्थानिक जड़े जो है वो क्या है, ये देखो जो सारी संरचनाएं मैं लिख रहा हूं ये रूपांतरित स्तंभ है। एक इसका भी वीडियो में बना के डाल दूंगा, इसके अंदर अपन क्या है 11th क्लास में जब अपन स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको ये याद रखना है कि ये जो संरचनाएं हैं कंद प्रकंद भूस्तरी, ये सारे क्या है भूस्तरी, ये क्या है एक तरीके से रूपांतरित पर्रो होते हैं, रूपांतरित स्तंभ है, रूपांतरित तने। इसके अंदर घास का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, भूस्तरी का जैसे अपन बात करें स्ट्रॉबेरी, एक यहां पे दे रखा है भूस्तरिका। तो भूस्तरिका में जो अपन बात करेंगे इस भूस्तरिका में है क्या जलीय जीव, जलीय प्लांट, वेलिस्नेरिया कह सकते हैं अपन। वेलिस्नेरिया, देखिए ये सारे जो मैंने बातें लिखी हैं इनके अंदर क्या हुआ है, इन पादपों के अंदर क्या है कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं विकसित होती है जो नया प्लांट विकसित कर सकती है, और उनको क्या नाम दिया गया है, यानी प्रोपेग्यूल्स नाम दिया गया है। यानी इन सभी संरचना से अपन बात करें कि आलू के अंदर क्या बन गई कलिकाएं हैं, अदरक के अंदर भी क्या पाई जाती है कलिकाएं पाई जाती है, बर्ड नाम दिया गया आंख कहते हैं अपन उसको कलिका, बर्ड कहते हैं उनको कलिका कहते हैं। घास के अंदर क्या होती है अपस्थानिक जड़े पाई जाती हैं, स्ट्रॉबेरी के अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, वेलिस्नेरिया है इनमें भी अपस्थानिक जड़े पाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे अपन बात करें कि लाइन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, ऐसे पूछ लेते हैं कि ब्रायोफिलम का नाम सुना है आपने, तो इनकी पत्तियों के अंदर क्या होती है कुछ बर्ड्स नुमा संरचनाएं पाई जाती है। तो ये जो बर्ड्स नुमा संरचनाएं पाई जाती है यहाँ पर, ये बर्ड्स नुमा संरचनाएं क्या करती है एक तरीके से नया प्लांट विकसित कर सकती हैं, तो इनको नाम दिया गया प्रोपेग्यूल्स। इतनी बात हमारे पास इससे रिलेटेड। अब देखिए गन्ने के अंदर क्या है पर्व संधियां वगैरह पाई जाती हैं, तो ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है एक तरीके से नया प्लांट विकसित करने में क्या होते हैं सक्षम होते हैं। तो ये कुछ संरचनाएं थी हमारे पास अलैंगिक जनन से रिलेटेड, और अलैंगिक जनन में हमने यहाँ पे सीखा कि अलैंगिक जनन पादपों के अंदर अलैंगिक जनन है वो किस प्रकार संपन्न होता है, पादप या जीवों के अंदर किस तरीके से संपन्न होता है। एक लाइन बता देते हैं आपको कि यहां पर एक वर्ड आ रहा है यहां पे, उस वर्ड की बात करेंगे अपन क्लोन की, कि क्लोन क्या होता है। क्लोन देखिए एलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है वो आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, बाहरी संरचना बनावट से यानी बाहरी संरचना के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आनुवांशिक संरचना भी क्या है उस जीव के समान होती है, तो उसी को क्या नाम दिया गया यहां पे क्लोन नाम दिया गया। ऐसे जीवों का नाम दिया गया है क्लोन। वापस बता देता हूं, देखिए क्या बताया कि जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है वो बाह्य संरचना के साथ साथ आनुवांशिक स्ट्रक्चर भी उनकी क्या होती है जनक के समान होती है, और ऐसे जीवों को क्या नाम दिया गया है क्लोन नाम दिया गया है। तो देखिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति बाह्य संरचना के साथ साथ बाह्य संरचना के साथ साथ आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। किसके समान होती है जनक के समान होती है, तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे क्लोन कहलाएंगे। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं अपन क्लोन कहते हैं, ठीक है हूबहू उसके समान होंगे। तो ये थी बात हमारे पास इससे रिलेटेड। तो ये हमने क्या किया कंप्लीट किया है अलैंगिक जनन, यानी फर्स्ट चैप्टर का हमने पॉइंट कंप्लीट किया है अलैंगिक जनन। तो हमारे जो वीडियो है वो आपको ऐसे ही उपलब्ध होते रहेंगे, यानी इस वीडियो को जैसे आपको पसंद आते हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको ऐसे ही वीडियो नए जो तरीके के साथ है अच्छे मेथड्स के साथ आपको क्या है उपलब्ध होते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।